भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट जारी की गई है, उनमें से भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या का नाम गायब है। भगवा पार्टी के इस फैसले के बाद कर्नाटक की राजनीति में इस युवा नेता की भूमिका और प्रभाव पर सवाल उठने लगे। बेंगलुरु दक्षिण से तेजस्वी सूर्या को पार्टी के हिंदुत्व एजेंडे के मुखर समर्थक और विपक्षी दलों खासकर कांग्रेस का प्रखर आलोचक माना जाता है। भाजपा द्वारा बुधवार को जारी की गई 40 स्टार प्रचारकों की सूची में उनका नाम शामिल नहीं है। सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा कर्नाटक और दूसरे राज्यों के कई वरिष्ठ नेताओं का नाम शामिल है। भाजपा सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक तेजस्वी सूर्या का नाम स्टार कैंपेनर की लिस्ट में शामिल नहीं कोई बड़ी बात नहीं है। पार्टी उनके बारे में कुछ नकारात्मक नहीं सोच रही। हालांकि आपको यह भी बता दें कि चलती फ्लाइट में उनके व्यवहार के कारण इमरजेंसी डोर खुलने की नौबत आ गई थी। उन्हें गलती का एहसास होने पर माफी भी मांगी थी। बीजेपी के एक अधिकारी ने यह भी कहा कि उनके निर्वाचन क्षेत्र और उनके संगठनात्मक कार्यों पर केंद्रित करने के कारण रणनीति के तहत उनका नाम इस लिस्ट में नहीं है। उन्होंने कहा, वह कर्नाटक से सांसद है, हमारे लिए एक लोकप्रिय नेता है, वो वैसे भी पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं, हमें संगठन के लोगों की भी जरूरत है जिन्हें बैठकों के लिए शॉर्ट नोटिस पर भेजा जा सके। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये भी कहा गया है कि तेजस्वी सूर्या का लिस्ट में नाम नहीं होने का मतलब ये नहीं है कि वे चुनाव प्रचार नहीं करेंगे या उन्हें देखा या सुना नहीं जाएगा। बता दें कि तेजस्वी सूर्या ने अभी तक इस विषय पर कोई टिप्पणी नहीं की है। उनके करीबी सूत्रों ने कहा कि भाजपा नेतृत्व ने सभी युवा नेताओं को सूची से बाहर रखने का फैसला किया है। एक सूत्र ने कहा, तेजस्वी सूर्या को राज्य भर में कम से कम 50 निर्वाचन क्षेत्रों में प्रचार करने के लिए कहा गया। वकलपुत्तूर, बयंदूर और शिमोगा में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। कर्नाटक से ही एक और सांसद और तेजस्वी सूर्या के साथी प्रताप सिन्हा को भी स्टार प्रचारकों की सूची से बाहर कर दिया गया है। उन्हें भी अपने कट्टर हिंदुत्व विचारों के लिए जाना जाता है। बीजेपी ने शिकारीपुरा सीट से चुनाव लड़ रहे पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदुरप्पा के बेटे बीवाई विजेंद्र को भी इस लिस्ट में शामिल नहीं किया है। वीडियो डेस्क amarujala.com। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले।